हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुपर्णा और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी, भारमी चिली उपमा। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है और इसमें हाफ टी स्पून देसी घी डाल दिया है और दूसरी साइड पर मैं भारमी चिली को बॉयल करने के लिए एक बर्तन पर थोड़ा सा पानी रखा है उबालने के लिए। मैंने यहाँ पे हल्दीराम प्रभु जी का भारमी चिली यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो घी जो है पूरा मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक पैकेट भारमी चिली और इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। घी में रोस्ट करने से जो होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा खुशबू होता है इसमें, और जब मैं इसको बॉयल करूँगी तो एक दूसरे से ये चिपकेगा नहीं। तो पानी उबल आ गया है, इसमें मैंने भारमी चिली ऐड कर दिया है और इसको 2 से 2.5 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा ना पकाए क्योंकि ये गल जाएगा तो खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। भारमी चिली को ऐसे पकाना है कि अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाए ऐसे। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया अपना गैस का फ्लेम और इसको मैं तुरंत निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला बना है। अब जो करना है उसी फ्राई पैन पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून ऑयल। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सरसों डाल दिया है और इसमें 1 टेबलस्पून डाल दूँगी चना दाल। अगर आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून उड़द दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इसको थोड़ा सा चला लूँगी और जैसे ये चना दाल थोड़ा सा फ्राई हो जाता है इसमें डाल दूँगी कुछ कड़ी पत्ता, इसमें फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए इतना ही इसको फ्राई कर लेना है। तो 1-2 मिनट काफ़ी है इसके लिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 7 से 8 फ्रेंच बीन्स लिया है और लिया है थोड़ा सा कैप्सिकम। अब आपके पसंद के अनुसार इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर या फिर गभी डाल सकते हैं। आप आपके पसंद अनुसार यहाँ से कोई भी सब्ज़ी हटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश मटर डाल रही हूँ, मुझे ये मटर बहुत ही अच्छा लगता है उपमा में, तो मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। इसको आप ढक्कन ढक के पका लूँगी क्योंकि ये सब्जी को हमें सॉफ्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और ढक्कन ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। अगर आप लोगों को सब्जी के क्रंचीनेस पसंद है तो थोड़ा सा कम भी पका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैंने 2-3 मिनट बाद लिड को हटा लिया है और इसको अच्छे से चला रही हूँ। अब जो करना है हम इसमें डाल देंगे वो पहले से बॉयल किए हुआ भारमी चिली। तो भारमी चिली को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिला लेना है सब्जियों के साथ। भारमी चिली को डाल के इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पका लेना है ताकि इसका कच्चापन पूरा चला जाए। अगर भारमी चिली थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर करें कि भारमी चिली अच्छे से पकी हो। भारमी चिली को लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएं, इससे ये बहुत अच्छा बनता है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ पीनट यानी मूँगफली। अच्छे से इसको मिला लेना है और गर्मा गर्म इसको सर्व करना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।